ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पे हमारा 36 आ गया था सन की एज और फादर की एज आ गई थी। मैंने 2 times कर दिया इस इक्वेशन को यूज़ करके, क्योंकि ये हमें गिवन थी, तो इसको यूज़ करके f=2s को यूज़ करके मैंने ये जो फादर की एज है ये हमारी आ गई 72। आइए एक बार क्रॉस चेक करते हैं, अगर हमें करना है जिस तरीके से हमने पहले किया है क्रॉस चेक। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन लूँ, यहाँ से पहले वाली कंडीशन लेते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हम देखें फादर की एज जो है इस टाइम 72 है, लेकिन 18 ईयर पहले कितनी एज होगी फादर की, 54। और जो सन की एज है वो अभी 36 है, तो 18 ईयर पहले कितनी हो गई सन की एज, 18। तो ये 3 times हो गई, सेटिस्फाई कर रही है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन देखें, नाउ फादर इज़ ओनली 2x as old his son, तो वो तो हमने देख ही लिया है कि 36 है और हमने वहीं से कैलकुलेट किया था फादर की एज का 72। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, लेकिन एंड में ध्यान देना है कि पूछा गया था क्वेश्चन ने पूछा था देन द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर, तो सन एंड फादर की प्रेजेंट एजेस का सम बताना है। तो कहीं हम गलती से उस वहाँ पर 72 पे टिक ना कर दें, 36 पे टिक ना कर दें, तो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में देखना है कि पूछा गया है। कई बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं, यही गलती कर देते हैं। तो एंड में पूछा है कि दोनों की एज का सम क्या है, तो फादर प्लस सन की एज जो आ गई वो आपकी आ गई हमारे पास 72 + 36, और ये आंसर आ गया आपका 108। तो आपने 108 पे टिक करना है, कोई और आंसर नहीं देखना है, ठीक है जी। सो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक हमारा रहते हैं अभी कुछ क्वेश्चन, 2 questions हैं। तो आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, किसी इंसान को बोला गया कि वो अपनी एज बताए, उसने बोला टेक माई एज 3 times हैंस, मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड देन सबट्रैक्ट 3 times माई एज 3 years गो एंड यू विल नो माई एज हाउ ओल्ड आई एम। तो उसने घुमा फिरा के बता दिया, अब किसी को समझ आ गया किसी को नहीं आया, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। उसने बोला कि मेरी एज का 3 times मेरी एज 3 times 3 years हैंस लो, तो हैंस का मतलब मैंने बताया, हैंस हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, या बियॉन्ड आफ्टर हो सकता है, हैंस हो सकता है, इसका मतलब है कि बाद में, तो 3 साल बाद की एज की बात कर रहा है, 3 साल मेरी एज बाद लो, तो 3 साल बाद की एज ले लेते हैं, पर्सन पी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको सॉल्व, अगर हम पी ले लें, पी प्लस 3 उसने कहा है टेक माई एज 3 years हैंस, ठीक है 3 years हैंस हमने ले ली, उसके बाद क्या कहता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कहता 3 से, ठीक है हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया हमारा क्या जाता है, उसके बाद क्या कहता है एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 times माई एज 3 years अगो, अगो का मतलब पहले, तो कहता है 3 times एज जो थी मेरी 3 years अगो, तो 3 years अगो होगी पी माइनस 3, कहता है इसका जो डिफरेंस आएगा वो मेरी एज आ जाएगी, आप निकाल लो। तो हमने उसको निकाल लिया, 3p जहाँ पे हो गया 3p प्लस 9 माइनस 3p, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9, ठीक है जी। 3p जो है वो कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, तभी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी वेरिएबल जब कैंसिल होगा कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से हमें करने हैं। इक्वल टू आ गया आपका 18। एक बार अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, 18 ईयर जो आ गई उसकी प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है जी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पहली कंडीशन क्या थी कि 3 years हैंस जो मेरी एज होगी, 3 years हैंस की उसकी कितनी एज हो गई, 21। 3 years हैंस को कहता है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था हमें एक्चुअली, उसने डायरेक्टली बताया था कि मेरी इतनी एज इतने ईयर्स के बाद इतनी हो जाएगी, इतने ईयर्स के बाद इतनी हो जाएगी, उसका डिफरेंस निकाल लो, तो इसमें कुछ हम चेक नहीं कर सकते क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन में हमें चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं था कि कितनी 2x है कितनी 3x है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है शायद इस सेशन का, जी हाँ। तो अ फादर सेड टू सन आई वाज ओल्ड आई वॉज एज ओल्ड एज यू एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तो फादर कहता है कि मेरी एज उतनी है जितनी
जितनी तुम्हारे आई वॉज ओल्ड एस यू एस आई आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो फादर कहता है कि जितने साल के तुम आज हो उतने साल का मैं तब था जब तुम्हारा बर्थ हुआ है। तो फादर की एज मतलब आज सन अगर 4 साल का है तो फादर उसके बर्थ के टाइम 4 साल था, तो फादर की एज आज कितनी होगी, सन से डबल हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी का कोई फादर है वो 20 ईयर्स का है और 20 ईयर्स का उसका एक बेटा होता है, तो सन अगर फादर अगर कहता है कि मैं 20 साल का था जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो वो फादर की 20 साल फादर की एज कितनी होगी, 40 साल। तो इस तरीके से फादर अगर एक और तरीके से देखा जाए, फादर कह रहा है कि जब सन हुआ, जैसे फादर सपोज कर लो 20 ईयर का था, सन कितने का था, 0 का। अब फादर कह रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ जितनी एज उस समय मैं 20 साल का था, और आज अगर सन 20 साल का हो गया तो सन फादर की एज कितनी होगी आपकी, 20 + 20 = 40। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब फादर का क्या दिया हुआ है, फादर की एज 38 नाउ, तो फादर की एज 38 गिवन है। तो उसने सन की एज पूछी है 5 ईयर बैक कितनी होगी। तो पहले तो फादर की एज हमें 38 यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका मतलब सन की एज कितनी हो गई, हाफ हो गई। जैसे हमने यहाँ पे देखा है 20 है, तो ये होगी 19। तो जब सन 0 ईयर का था, मतलब जब सन का बर्थ हुआ, तो फादर कितने साल का था, 19 का। और आज सन 19 का हो गया, तो फादर कितने का हो गया, 38 का, क्योंकि फादर की एज डबल हो गई। तो हमसे पूछा है सन की एज 5 ईयर बैक, तो सन की एज एट प्रेजेंट कितनी है, 19 है। तो 5 ईयर बैक मीन्स 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 19 - 5 कर दिया हमने, ये आ गया आपका 14 ईयर्स। ये जो आ गई एज, ये आई आपकी सन्स एज, सन की एज आई है ये 5 ईयर अगो। इसी टाइप से अगर हमसे पूछ लेता कि 5 ईयर्स आफ्टर एज बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 19 में 5 ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट चेंज करनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर जो हैं वेरी हो जाएंगे कि क्या पूछा है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि हमने किस तरीके से किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे हमें हमारी कमियाँ कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखा है, तो आपका दिन शुभ हो जी, थैंक यू सो मच। और हमारा जो फेसबुक पेज है वो ज़रूर लाइक कीजिए, HLC के नाम से होगा, HLC कुराली के नाम से है वो फेसबुक पेज। और हमारे इस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, हैव अ नाइस डे।